दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कपड़े के बचे हुए पीस से बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र बनाना। इसके लिए दोस्तों मैंने एक कपड़ा लिया जो डबल फोल्ड में है, जिसकी लंबाई 17 इंच और ऊंचाई 13 इंच है। डबल फोल्ड में यानी कि 17 दूनी 34 इंच का टोटल लंबाई का कपड़ा था। अब हम इसको क्या करेंगे, फोर फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। अच्छे से फोर फोल्ड बिल्कुल अच्छे से करना, मिला के अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे दोस्तों। 2 इंच पे हमने निशान लगाया हुआ है, देखिए 2 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, साइड से 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया और दूसरी साइड हम लगभग 1 इंच पर, 1 इंच पर हम दूसरी साइड यानी कि ऊपर साइड हम 2 इंच पे, नीचे की साइड 1 इंच पे, और जितना ओपन एरिया है फोर फोल्ड की उधर हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब ये 1.5 इंच निशान जो है, हम देखिए 6.5 इंच तक की लंबाई तक लगाएंगे। देखिए साढ़े, अगर ऊपर से नापें तो 8.5 इंच हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर पर एक कर्व दे देंगे इस तरीके से। फिर नीचे की साइड 1 इंच पे हम निशान लगाते हुए ये तिरछा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब जो हमने निशान लगाए हुए हैं वहाँ से हम अपने कपड़े को कट कर देंगे। जब तक मैं कट कर रही हूँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और आपको लगे ये आपके काम की वीडियो है तो कोई कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेट हो। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस और बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। अब हम क्या करेंगे, इनके जो आसन हैं उनको अटैच कर लेंगे दोस्तों। देखिए इस तरीके से दोनों साइड हमने आसन पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल अच्छे से आसन को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है दोस्तों। बहुत ही काम का आइडिया है आप, वो भी कोई थोड़े से बचे हुए कपड़े के पीस से आप इसे बना सकते हैं। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए और बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आसन अटैच किए थे उन पर ऊपर की साइड से भी देखिए किनार को दबाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमने लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड की दोनों पार्ट को लगभग 1 इंच तक का मोड़ते हुए, जो हमने निशान लगाया था नीचे साइड, उतना ही मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। देखिए दोस्तों, दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर साइड भी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मोड़ते हुए हम इस तरीके से देखिए सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। चारों तरफ सिलाई लगाते हुए लगभग 1 इंच एरिया पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, 1 इंच जो है हम जगह छोड़ देंगे। देखिए ये इतने पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। और अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड देखिए इस तरीके से हमने मिलाते हुए रखा और नीचे दोनों साइडों को मिलाते हुए अच्छे से डबल सिलाई हमें लगा लेनी है और स्ट्रे कपड़े को हमने कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, एक पतली गेटिस लेंगे कोई भी। ये गेटिस दोस्तों आपको अपने बच्चे के कमर के नाप की लेनी है, जो भी आपके बच्चे की कमर की माप हो उससे 2 इंच आपको कम लेते हुए फिर इसे हमें ऊपर साइड देखिए इसको डाल देना है। आई होप आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए दोस्तों, जो 1 इंच हमने छोड़ दिया था जहाँ से गेटिस डालने के लिए, उसको भी हमने सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सीधे करेंगे दोस्तों। देखिए ये हमारा अच्छे से ये एक हाफ नेकर बन के तैयार हो गया, जो बच्चे गर्मी में अच्छे से बेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर